एक परदेसी कहता है कि मैंने परदेश जाने का पक्का इरादा कर लिया। घर वालों से जिद की, बहुत कुछ बेचा, जो कुछ उनके पास था उनकी जमा पूंजी उन्होंने बेच दी। और परदेश आते हुए मेरे वालिद ने मुझे ढेर सारी दुआओं और ढेर सारी नसीहतों के साथ रुखसत किया। परदेश मेरी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ था। मुझे तो ये लगा था कि जाते ही वहां सेट हो जाऊंगा, इस तरह होगा उस तरह होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। मुझे वहां आते ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं सोच रहा था। 2 साल गुजर गए, मैं अभी तक यहां सेट नहीं हो पाया था। इसी दौरान खबर मिली कि मेरे वालिद और वालदा घर से कहीं बाहर गए हुए थे, तो पीछे से घर में चोर आ गए। उन्हें घर में मिलना ही क्या था, कुछ था ही नहीं सिवाय एक गधे के, लिहाजा वो हमारा गधा ही खोल कर ले गए। एक रोज चोर बार बारदारी के लिए गधे को बाहर लेकर गया, उस पर ढेर सारी सब्जियां और फल लाद दिए, और बार बारदारी के दौरान उसकी तवज्जो कहीं और हुई तो गधा वहां से चल पड़ा और चलते चलते घर तक आ गया। जाहिर है उसे घर का रास्ता कौन बताता, उसे घर का रास्ता पता था। घर आया और घर आते ही दरवाजे में अपना सर मारने लगा। मेरे वालिद ने शोर सुनकर दरवाजा खोला तो देखा बाहर हमारा गधा खड़ा है और उसके ऊपर बहुत सारी सब्जियां और फल लगे हुए हैं। मेरे वालिद ने मेरी वालदा को मुखातिब करके कहा, ये लो, ये रहा हमारा गधा, 2 दिन बाद वापस आया है लेकिन ढेरों सब्जियां और फल उठा लाया है। और एक हमारा बेटा है जिसे 2 साल हो चुके हैं और 2 साल में उसने एक प्याज का दाना भी घर नहीं भेजा। बहुत सारे लोग परदेश सिर्फ शौकीनी में भी जाते हैं सुन सुनाकर, क्योंकि परदेश से आने वाला इंसान जब अपने देश में आता है तो बहुत बड़ी बड़ी हांकता है, वहां की मजदूरियों के बारे में, ये चीजों के बारे में नहीं बताता। और बहुत सारे सुनने वाले इस बात से मुतासिर होकर परदेश जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं और इस चक्कर में माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं। बाप ब्लैकमेल नहीं होता तो माँ को इमोशनली टॉर्चर करते हैं, फिर माँ इमोशनली अपने शोहर को यानी उसके बाप को टॉर्चर करती है। चारों नाचार बाप अपनी औलाद को सब कुछ बेच बाज कर बाहर भेज ही देता है, पर वहां वैसा नहीं होता। ऐसे लोग वहां जाकर भी वालदैन को तंग किए रखते हैं और वालदैन बेचारे जाने क्या कुछ करके उनकी जरूरत वहां पर भी पूरी करते रहते हैं। आप अगर मेहनत करना जानते हैं तो आप देश में भी कर सकते हैं। हीलो बहानों के साथ और सिर्फ शौकीनी के साथ परदेश जाना और उसके बाद माँ बाप को सूली पे लटका देना किसी तरह भी ठीक नहीं।